शहर की सभी गतिविधियाँ जानने के लिए छोटी बड़ी आप वॉइस ऑफ पानीपत को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। होली का त्यौहार है तो जाहिर तौर पर पूरा देश इस समय जश्न में डूबा हुआ है। आज आपको दिखाते हैं नेताओं की होली। प्रमोद विज शहरी विधायक के घर पर है हम लोग। आप देख सकते हैं कि प्रमोद विज अपने कार्यकर्ताओं के साथ और दो लोग आए उनके साथ जो है होली का त्यौहार मना रहे हैं। बड़ी धूमधाम से होली का त्यौहार जो है आज मनाया जा रहा है। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर करें और भी नेताओं के पास आपको लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं विधायक प्रमोद विज के घर की। प्रमोद विज साहब जो है आज जश्न मना रहे हैं और उन्हीं के साथ उनके पार्टी के कार्यकर्ता और शहर के गणमान्य लोग मौजूद हैं। शहरी विधायक ने अपने घर पर जो है ये आज ये कार्यक्रम रखा है। इस वीडियो को साथ ही साथ शेयर जरूर करें क्योंकि होली का त्यौहार है और होली के त्यौहार के दिन आज सभी जो है इस त्यौहार को बड़े धूमधाम के साथ मना रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें क्योंकि आज होली है और होली के दिन से आपको ये तस्वीरें जो है हम लोग लाइव दिखा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आज होली के त्यौहार पर? पूरा देश इस रूप में सजा हुआ है। रंजी पानीपत वॉइस के माध्यम से पहले तो मैं आपको भी, आपके चैनल को भी और पानीपत हरियाणा की सभी जनता को, सभी को, मेरे माताओं, बहनों, बुजुर्गों को, साथियों को, बच्चों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। होली जो त्यौहार है, रंगों का त्यौहार आप देख ही रहे हैं और ये हमारी एक परंपरा है जो होली दहन के बाद, होलिका दहन के बाद हम मनाते हैं। और ये मिलने जुलने का त्यौहार है, मन मुटाव खत्म करने का त्यौहार है ये। मैं तो सबसे ये प्रार्थना करूंगा कि आज के दिन अगर आपका जीवन में किसी से मन मुटाव है भी तो भाई उसके घर आओ, वो मान जाएगा, कुछ नहीं है, सब मिलजुल के रहे, समाज की सेवा करें, समाज का काम करें। और इस दिन हम ये प्रण लें कि पानीपत शहर जो अपना शहर है, हमारा अपना शहर है, इससे प्यार करें, हम इससे लगाव करें, इसके लिए जो हमसे यथाशक्ति बन पाए वो करके दिखाएं। एक बार फिर मैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। अच्छा, होली के बाद पानीपत वासियों को क्या तोहफा देने जा रहे हैं? देखिए, जो विजन के प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, हमारा लक्ष्य है कि इस साल में वो सारे के सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हैं। एक रेन्यूअल प्रोजेक्ट जो है वो 3-4 साल जो है उसमें लगेंगे। वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है जो 800 करोड़ का है, अतः लगभग 600-700 करोड़ के जो प्रोजेक्ट है। मैं आपसे ये वादा करता हूँ
कि मैं अपने टेन्योर में कंप्लीट करके दिखाऊंगा। प्रमोद विज साहब थे, विधायक है शहरी, और रेनुअल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, अपने टर्नओवर में जो है रेनुअल प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। आपको और भी तस्वीरें दिखाते हैं, आप देख सकते हैं, देखिए शहर के गणमान्य जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचना जो है शुरू हो गए हैं। एक बार इनसे बातचीत करते हैं। ये नीरू विजय आज दिख नहीं रही, मतलब पूरा कलरफुल हो रहा है। ये नीरू विजय है, विधायक साहब की पत्नी है। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। इस दिन तो रंगों का त्योहार है और रूठे हुओं को मनाने का दिन है, और जो रूठे नहीं है उनको हम रूठने भी नहीं देंगे आगे से। अच्छा, जो रूठे हुए तो आज मन गए? मन गए, सारे मन गए। वैसे तो कोई रूठा हुआ था ही नहीं, पहले तो कोई रूठा हुआ था नहीं, लेकिन कहते हैं कि जो रूठा है उसको मना लेना चाहिए, तो हम चाहते हैं कोई रूठे ही ना, सारी ऐसे ही रही है। तो एंजॉय कर रहे हैं सारे जो लोग आए हैं? बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। यही एक त्योहार है जिसमें हम एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये नीरू विज जी है, विधायक साहब की धर्मपत्नी है, आज पहचान में नहीं आ रही होंगी, लेकिन वीडियो को शेयर करना ना भूले। और भी नेताओं हैं, उनके से पास भी जाने की कोशिश करते हैं, वो किस तरह अपना होली का त्यौहार मनाते हैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। पर फिर से तस्वीरें दिखा दें, विधायक के निवास स्थान से आप ये लाइव और सीधी तस्वीरें वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से देख रहे हैं। वीडियो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।